चौथा स्तंभ डिजिटल यूज। आज के स्पेशल रिपोर्ट में हम बताएंगे राजनीति और समाज सेवा में अंतर के बारे में। अभी आप स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख रहे हैं, दोनों ही तस्वीरें मधुबनी जिले के दो अलग अलग जगहों की है। सुशासन की सरकार में विकास के दावे को झुठलाती यह तस्वीर सीमावर्ती क्षेत्र मधवापुर प्रखंड की और दूसरी तस्वीर लखनऊ प्रखंड की है। खैर छोड़ी, अभी हम सुशासन की सरकार में विकास की नहीं बल्कि पंचायतों में राजनीति और समाज सेवा की चर्चा करते हैं। जहां एक तरफ पंचायतों की सड़कों पर मुखिया के घर की कुछ ही दूरी पर महीनों भर से जल जमाव लगा हुआ है, लोग जान जोखिम में डालकर आने जाने को विवश है, तो दूसरी तरफ कटाव में सड़क के बह जाने पर तत्काल ही समाज सेवी द्वारा चचरी का पुल बनाकर आवाजाही को सुचारू कर दिया गया। दरअसल इस बार धौस नदी में बाढ़ आने से मधवापुर प्रखंड के बिशनपुर पंचायत के पकड़ी गांव से तरैया पंचायत को जोड़ने वाली सड़क नदी के कटाव में बह गई, जिससे सड़क किनारे बसे दर्जनों परिवार के घरों पर भी खतरा मंडराने लगा। साथ ही इस मार्ग के अवरुद्ध होने से दोनों पंचायतों के आम लोगों सहित पथिकों को भी आवागमन बंद हो गया। लोगों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, बावजूद इसके किसी जनप्रतिनिधि या प्रशासन का इस ओर ध्यान नहीं गया। अंततः थक हार कर निराश ग्रामीणों को स्थानीय समाजसेवी मनीष कुमार झा का सहयोग मिला, जिसके सहयोग से ग्रामीणों द्वारा चचरी पुल बनाकर आवागमन को शुरू करवाया गया। हालांकि नदी का कटाव अभी भी जारी होने के कारण कई घरों पर खतरा कायम है, जिसके कारण यहां के बसिंदे रात जगह का समय गुजारने को विवश है। समाजसेवी मनीष कुमार झा ने बताया कि सड़क के बह जाने के कारण ग्रामीणों को आवागमन में काफी मुश्किलें हो रही थी। संज्ञान मिलने पर उनकी ओर से सहयोग कर चचरी पुल बनाकर तत्काल आवागमन को चालू करवा दिया गया है। नदी के कटाव के कारण रास्ता अवरुद्ध हो गया, अपने कर बाद में 300 घर के आना जाना सभी बंद भ गेल। या मुख्य रास्ता छै कि मुख्य रास्ता ये रास्ता है जे बिशनपुर से पंचायत से लेकर तरैया पंचायत या ये चरौत पंचायत ये सब मेन रास्ता है। उसमें हम लोग मनीष झा के सहयोग से जे हम लोग रास्ता इस पर चचरी बनवाए और तब उस पर आना जाना हम लोग कर रहे हैं। अभी भी कोई ठिकाना नहीं है, जब यहाँ बाल बच्चा भी खतरा में भी पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों से ग्रामीणों की इस समस्या की ओर ध्यान देने की अपील की ताकि वे सुरक्षित रह सके। दूसरी तरफ लखनऊ प्रखंड के कछवी पंचायत के वार्ड 7 में सड़कों पर लगे जल जमाव से लोग परेशान हैं। थोड़ी सी बारिश होने पर सड़क पर घुटने पर पानी लग जाता है, यदि बारिश अधिक हो तो लोगों के घरों में भी पानी घुस आता है, जिससे लोगों को घर से निकलना भी मुश्किल हो जाता है। ग्रामीणों का कहना है कि बरसात भर यहाँ जल जमाव की समस्या प्रत्येक वर्ष लगी रहती है, जिसके कारण सांप और कीड़े मकोड़े के काटने का डर भी बराबर बना रहता है। पानी से सब डूबा हुआ है, मवेशी भी डूबा हुआ है, भोजन बनने के लिए घर में जगह नहीं है, पानी से भरा हुआ है, सांप कीड़ा कब आएगा नहीं आएगा कोई ठीक नहीं है। आश्चर्य की बात है कि जिस जगह पर जल जमाव की यह समस्या है वहां से वर्तमान मुखिया का घर महज 100 मीटर की दूरी पर है। कामेश्वर सिंह, संतोष मंडल, राजकुमार मंडल, मौसमा बुचिया देवी, विकास सिंह, मालचंद मंडल, मोहन मंडल, चंदन सिंह, मुन्ना सिंह, रामचंद्र सिंह, विनोद सिंह सहित कई घरों में पानी पूर्ण रूप से भरा हुआ है। यह समस्या पूरे पंचायत के आम लोगों को भी झेलना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को मुखिया के घर पर जाने के लिए इसी तरह घुटने पर पानी में होकर गुजरना पड़ता है। जिस जगह पर भीषण जल जमाव है उसके ठीक बगल में पंचायत के नेताओं का उठना बैठना होता है। लोगों का मानना है कि पंचायत की राजनीति इसी जगह से संचालित होती है, जिस पर समाजसेवी ममता कुमारी का कहना है कि बस उनको सत्ता चाहिए। एक कहावत है, खुद का घर तो संभलता नहीं और चला पंचायत को संभाले।